तीन एनिमेटेड मूवीज बताता हूँ जिनके अंदर आपको अच्छा एक्शन एडवेंचर और कॉमेडी देखने को मिलेगा, साथ ही काफी अच्छा यूनिक आइडिया भी देखने को मिलेगा। पहली मूवी क्लाउडी विद द चांस ऑफ मीटबॉल जो कि 2009 में आई थी। इस मूवी के अंदर एक फील्ड साइंटिस्ट दिखाया है, काफी टाइम से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक दिन ऐसी मशीन बनाता है जिससे आसमान से भाई खाना बरस सकता है। अब इस मशीन से कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अब क्या फायदा क्या नुकसान ये इस मूवी को देख के जानो। दूसरी मूवी है मेगा माइंड जो कि 2010 में आई थी। भाई ये मूवी मेरे को बड़ी जबरदस्त लगी थी। हमने बहुत सारी मूवीज देखी जिनमें हमको सुपर हीरो का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, सुपर हीरो की लाइफ स्टाइल दिखाई जाती है, लेकिन बहुत कम ऐसी मूवीज है जिनमें हमको सुपर विलन की लाइफ स्टाइल दिखाई जाए। तो ये मूवी इसी टॉपिक को कवर करती है, तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना। ये भाई काफी एंटरटेनिंग मूवी लगी थी मेरे को। तो तीसरी मूवी दोस्तों होटल ट्रांसिल्वेनिया जो कि 2012 में आई थी। इस मूवी का एडअप भी भाई मेरे को मस्त लगा था। इस मूवी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जैसे ड्रैकुला हो गया, फ्रैंकेस्टाइन हो गया वगैरह वगैरह, जो कि एक बहुत बड़े होटल के अंदर सेफली रह रहे होते हैं इंसानों की दुनिया से दूर। लेकिन तब भी एक इंसान आता है जो उनके होटल को डिस्कवर कर लेता है। अब इसके आगे क्या होता है दोस्तों इस मूवी के अंदर जानो। और ये तीनों ही मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे।